जागरण जोश के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोदी सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं अभी और क्या क्या इम्पोर्टेंट डिसीजन इस सरकार ने लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तीन तलाक पर इस सरकार ने काफ़ी अहम फैसला लिया। मोदी सरकार ने तीन तलाक पर पाबंदी के लिए मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया। 1 अगस्त 2019 से तीन तलाक देना कानूनन जुर्म बना दिया गया। मोदी सरकार ने लगातार दूसरी बार सत्ता में आते ही मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से छुटकारा दिलाने का कदम उठाया है। बात करें मोटर व्हीकल कानून की, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी इसको लागू किया गया है, तो सरकार ने ट्रैफिक नियमों को और कड़ा बनाने और उसके अलावा सड़क हादसों को रोकने के लिए देश में मोटर व्हीकल अधिनियम 2019 को लागू किया। सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया है ताकि वाहन चालक नियमों का पालन कर सकें। आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं अनुच्छेद 370 की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने का कदम उठाया है। मोदी सरकार ने राज्यों को दो हिस्सों में बांटने का काम किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव मंजूर किया था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। इसके अलावा बात करें UAPA अधिनियम में संशोधन की, तो सरकार ने आतंकवाद पर रोक लगाने के लिए UAPA अर्थात गैर कानूनी गतिविधि की रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 को संसद में पास किया। नया UAPA कानून आतंकी गतिविधियों में शामिल या उसे प्रोत्साहित करते मिले किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने का पूरा अधिकार दिया है। आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। मोदी सरकार ने जल संसाधन और पेयजल और स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया है। साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल शक्ति अभियान के अंतर्गत 256 जिलों के 1592 खंडों की पहचान की गई है। सरकार ने हर घर में हर नल में पानी पहुँचाने का लक्ष्य बनाया है। बैंकों के विलय के बारे में बात करें तो जैसा कि आपने खबरों में पढ़ा ही होगा कि केंद्र सरकार ने 10 सरकारी बैंकों को का विलय किया है, उसको 4 बड़े बैंकों में बनाने की घोषणा की है। इस विलय से बैंकों को बढ़ते NPA से राहत भी मिलेगी, साथ ही साथ उपभोक्ताओं को अच्छे से अच्छा बैंकिंग सुविधाएं देने की भी बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सरकार ने अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने 5,00,000 करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था को बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मोदी सरकार के अनुसार देश को साल 2024 तक 5,00,000 करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने राज्यों को अपनी प्रमुख क्षमता को पहचानने की सलाह दी है और कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP को बढ़ाने की पहल जिला स्तर से शुरू की जानी चाहिए। इसके अलावा फिट इंडिया अभियान की भी शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, जिला, ब्लॉक स्तर पर अभियान को मिशन की तरह चलाया जाएगा। फिट इंडिया अभियान को सफल बनाने के लिए केंद्र सरकार के खेल मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास जैसे मंत्रालय आपसी सूझबूझ से काम करेंगे और इसकी रूपरेखा भी तैयार करेंगे। किसानों को सहायता देने की भी बात कही गई है। सरकार ने किसानों को प्रत्येक साल 6,000 रुपये देने की बात कही है। इससे 14 करोड़ किसानों को करीब 6.37 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में 5 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को 3,000 रुपये प्रति महीने की न्यूनतम पेंशन देने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, ये जो वीडियो हमने आपको बताया है, इसमें आपको बताया है कि मोदी सरकार की जो 100 दिन पूरे हुए हैं अभी हाल ही में, उसमें क्या बड़े फैसले लिए हैं सरकार ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूं ही देखते रहें जागरणजोश.com।